सब डिवीजन संकू के मेन बाजार में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। आज दिन ट्रैफिक जाम होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आए दिन, और गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह ना होने और सड़क तंग होने की वजह से हमेशा ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत से आवाम ने और ज़िला इंतज़ामिया से LHDC से कारगिल इस मसले को हल करने की कारगिल के लोगों ने अपील की है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन नारबल ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रडबुग में घरेलू खवतीन और उम्र रसीदा बुजुर्ग लोगों के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद किया, जिसमें 100 से ज्यादा मर्द और खवतीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने दिल बहलाए। इस प्रोग्राम का मकसद मंशियात और दिगर गैर अखलाकी और समाजी गैर समाजी चीज़ों से दूर रखना है। इन मर्द खवातीन ने टग ऑफ वार, कैरम, कबड्डी, शतरंज के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मकामी खवातीन ने कश्मीरी लोकगीत भी पेश की। इस मौके पर स्कूली बच्चे भी लुत्फानंदोज हुए। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से जहनी दबाव और तनाव से दूर खुद को रखा जा सकता है। करन कि खिताबस मत वनन तम यम ड्रग्स खास कर मेहरबानी करित क्या जवान लगन या से खेल कूटस कुन इम लगन क्रिकेट इम लगन गेमन कुन क्या जी ड्रग्स वागस गच एम यस इस्लामन त मना शुक्र गुजार गवर्नमेंट यम वजन इस बुलाय या स्कूलस अंदर त खुश बालई खास कर बचन के त अस पानस से क्या जम बचन आई ब्रोकन कुछ वारिया के शुक्र गुजारी मुझे आज और श्री अमरनाथ जी यात्रा में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं और तमाम जरूरी इंतजाम को हतमी शक्ल दिया जा रहा है। बालतल थुनमर्ग की तरफ से दिगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सिक्योरिटी और दिगर इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई है। CRPF की 61 बटालियन तैनात की जाएंगी, जो न सिर्फ हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाएंगी बल्कि यात्रियों को दिगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम करेगी। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बालतल बेस कैंप लगाया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार की एजेंसियां रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी रहेगी, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस CAPF की भी वहां एजेंसियां रहेंगी, जो अपने अपने स्तर पर मेडिकल कैंप सेटअप करेंगे और यात्रियों को विशेष प्रकार की जो सुविधाएं होती है यात्रा के दौरान, जो जरूरत होती है उसको पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। क्या कुछ मतलब फोकस रहता है CRPF का, क्योंकि मेन जो रोल वहाँ पे CRPF का ही होता है, क्या कुछ फोकस रहता है वहाँ पे यात्रा को अच्छी तरह से पूर्ण तरीके से कंडक्ट करने के लिए? विशेष उद्देश्य यही रहता है कि जो भी यात्री आए वो उनका सुरक्षित तरीके से यात्रा हो सके, और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता होती है तो CRPF एक कदम आगे बढ़कर उनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ से आपके आपकी बटालियन मूव करेगी कब तक? नहीं, मूव करने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हर एक साल होती है और विभिन्न प्रकार की बटालियनों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार भी इस बटालियन को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी ये बटालियन बखूबी निभाएगी। मेवा से जुड़े किसानों ने टंगमग और